बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपके साथ एक मैं रिपोर्ट यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। मैं यानी कि पिछले 7 दिनों में क्या कुछ हुआ जी, क्या कुछ से मुराद ये है कि आप भाई मुझ से बहुत से व्हाट्सएप के ऊपर अभी रब्ता करते हैं और अपने मसाइल पेश करते हैं जी। हाल ही में एक दोस्त ने रब्ता किया जी, जो कि पाकिस्तानी था और कफील से तंग आकर वो बोलता है मैं कफील से भाग के सैलरी वगैरह नहीं दे रहा था और खमीस मशीद में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, मेरे पास 100 रियाल है, मैं भाई पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, कैसे चला जाऊँ। मैंने उसका जब महीना वगैरह चेक किया तो हरूब लगा हुआ था और उसके बाद मैंने उसको चेक किया कि तुम काम से गैर हाजिर, मुतगैब अन अल अमल, यानी कि हरूब सिंपल फाल में बोल रहे हैं। तो मैंने उसको बोला था अभी तुमने भाग क्यों बोलता है, मैंने कहा मकतबे अमल जाना था ना, केस करना था, ऐसे नहीं होता है। बहरहाल अभी टाइम ज़्यादा हो गया, 15 दिन के अंदर तुम अपना हरूब कैंसिल भी करवा सकते थे। बहरहाल अभी टाइम ज़्यादा हो गया था, बहरहाल उसको जो भी मैंने मशवरा वगैरह दिया, बात क्यों कर रहा हूँ ये कि ऐसे बहुत से मसाइल आप मेरे साथ शेयर करते हैं और मैं उनका हल वगैरह आपके साथ कोशिश करता हूँ आपको बताने की। बाकी जो पुराने सऊदी अरबिया में रहने वाले हैं जी, वो मुझसे भी बेहतर जानते हैं इन मसाइल के मतलब। आपके दोस्त अखबाब होंगे उनसे भी पूछ लीजिए, ये कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर आपके साथ मैं जो चीज़ शेयर करने वाला हूँ वो पहले देख लें। सबसे पहले आपको वही दिखा देता हूँ मैं, 12,607 अफराद ये वो हैं जी जो पिछले 7 दिनों में तरहील किए गए हैं सऊदी अरेबिया से, यानी कि डीपोर्ट किए गए हैं। आप सऊदी अरेबिया से जब किसी भी मामले को लेकर किसी भी सूरत में किसी भी सज़ा के तौर पर या फाइन के तौर पर या हरूक के तौर पर या मतलूक के तौर पर या इकाम एक्सपायर के तौर पर सऊदी अरेबिया से डीपोर्ट की होंगे, यानी कि तरहील होंगे जेल के थ्रू, यानी कि आपको निकाला जाएगा, तो आप सऊदी अरेबिया में भाई वर्क वीज़े पर दोबारा नहीं जा सकेंगे। उमरा हज के लिए जा सकेंगे, आप वर्क वीज़ा के तौर पर सऊदी अरेबिया में दोबारा नहीं जा सकेंगे। ये आपको क्लियर कर दूँ मैं। अभी मैं आपको यहाँ पर एक मुकम्मल ये रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, इसमें आप देख लें जी, 13,511 अफराद भाई पिछले 7 दिनों के अंदर गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें मुखालफ निज़ाम अल इकामा जिनके इकामे एक्सपायर थे 8,073 अफराद, वो हैं जी 8,073 अफराद इकामा एक्सपायर वाले पकड़े गए। साथ में मुखालफ निज़ाम अल अमल यानी कि निज़ाम अल अमन अल हदूद और 3,388 अफराद वो हैं, यानी कि 3,334 के करीब बोल रहे हैं आप, ये आपको वो मिलेंगे जी जो गैर कानूनी तरीके से इंटर या निकलते हुए पकड़े गए। मुखालफ निज़ाम अल अमल ये वो बंदे हैं जी जो कि 2070 जो कि साय खास आमल मंत्री छोटा खार्स वगैरह वाले, छोटा महना वाले या बड़े महना वाले भी अपने महीने को छोड़कर कहीं और काम कर रखे हैं, कफील को छोड़कर कहीं और लगे हुए हैं, कफील से एग्रीमेंट किया हुआ है, खुद से बाहर से दिहाड़ी वगैरह लगाए जा रहे हैं। ये 2070 अफराद वो गिरफ्तार किए गए हैं। तो सऊदी अरब जहाँ पर हमें सहूलियात दे रखा है, यानी कि साय खास एंड छोटा महना वालों को भी आप भी नकल फाला करवा सकते हैं किंग सूट, तो मैं मुकम्मल वीडियो शेयर कर चुका हूँ इस चैनल के ऊपर। तो वहाँ पर सऊदी अरेबिया भाई ये भी कह रखा है कि अपने महीने के हिसाब से अपने कफील के अंडर काम करें, ठीक है जी। तो ये एक वीक की रिपोर्ट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। मजीद आपको कोई भी किसी किस्म का मसला मुझे कमेंट में बताइएगा।